रोनिन, रोनिन का बैग है, बैग जल्दी। हाँ अगाड़ी मत ल, अगाड़ी के यो खोल पर्स, यो बिना को लुक्स कस्त आ हेन पो। तो अपना ये दीपक मामा सबका एकदम प्यारा मामा, प्यारा मामा भाई तो प्यारा मामा। सिक्स माइल में मैंने जो ये रोनिन का जो ओरिजिनल जो विंडशील था उसको मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि क्यों रिमूव कर दिया चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। फिर ये चेक मारो गाइस, तो जब मैं हाईवे में थोड़ा 80-90 की स्पीड में भगाता हूँ ना, तो उस टाइम यहाँ पे जो वाइजर ठीक है यहाँ पे टच होता है, तो टच होने के कारण से यहाँ पे घिस जाता है, घिसने के कारण से वो नॉइज़ आता है, वो नॉइज़ मेरे को बहुत ही इरीटेट किया, तो इसी कारण से मैंने वो वाइजर को रिमूव कर दिया, क्योंकि वाइजर का कोई काम ही नहीं। तो विदाउट वाइजर विदाउट विंडशील तो अपने रोनिन को कुछ इस तरह लुक्स आ रहा है, तो मेरे को कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है, लेकिन किसी भाई को यही लुक्स पसंद है। टॉप रैक पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे एक टॉप बैग लगाएंगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर न्यू डे न्यू ब्लॉग, फिर से एक और नए कहानी। तो आफ्टर दिवाली फिर से मैं सिलगढ़ी की ओर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ आप लोग को वो पता चल गया है। और आज सिलगढ़ी जाके आज ही मेरे को वापस लौटना है, क्योंकि कल से फिर ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो फिर वीकेंड में एक मैं एडवेंचरस और बहुत ही तगड़ा राइड होने वाला है, तो मैं बीच में आप लोग को अपडेट दूंगा, और भी बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं जो आप लोग के साथ बात करना है। चले फिर मिलते मोटर ब्लॉक सेटअप पे। चलो फिर तो गाइस, दिवाली का जो ब्लॉग था वो नेपाली से मैंने बनवाया, क्योंकि नेपाली से मैं बनाते आ रहा हूँ और नेपाली से ही बनाऊँगा वो जो कल्चर ट्रेडिशन फेस्टिवल का ब्लॉग। तो पहले मैं क्या करता था, जो बाइक के बारे में जितने भी वीडियो था बाइक से रिलेटेड, वो सारा मैं हिंदी से बनाता था और बाकी नेपाली से बनाता था, ठीक है। तो वो जो बाइक से रिलेटेड वीडियो देख के बहुत सारे भाइयों मुझसे जुड़ा है, तो मेरे को बाद में ऐसा लगा कि हिंदी तो ठीक है, चलिए बोल दो जो भी बोल सकते हिंदी, लेकिन जो हमारा जो नेपाली टोन है ना वो हिंदी पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, और जो हमारा प्योर हिंदी हम लोग नहीं बोल पाते हम नेपाली लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा जो भाषा नेपाली भाषा में इधर लोकल लैंग्वेज सभी जगह नेपाली में हम बोलते हैं ना, तो इसी कारण से कम्युनिकेट नेपाली से होता है। खूबसूरत तो इसी कारण से हमारा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं होता है, फिर भी हम काम चला लेता है, लेकिन फिर भी जो बिहार का जो वीडियो बनाया वो सारा मैंने हिंदी से बनाया, ठीक है, लेकिन हिंदी से बनाने के बावजूद भी वहाँ पे हमारा जो नेपाली भाइयों ने कमेंट ज़्यादा किया, ठीक है, हाँ सपोर्ट दिया सब्सक्राइब किया, लेकिन हमारा जो नेपाली भाइयों ने ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आप किस लैंग्वेज पे वीडियो बनाओ, ठीक है, हिंदी तो मेरा उतना खास नहीं है, ठीक है, नेपाली तो परफेक्टली बोल पाऊँगा, और मेरे दिमाग में दूसरा बात ये चल रहा है कि पहाड़ का, ठीक है, पहाड़ माने दार्जिलिंग कर्सियङ कालेबुङ गान्तोक ये सारा पहाड़ का और बाइक से रिलेटेड ये सारा वीडियो हिंदी से आएगा, ठीक है, और जितने भी लॉन्ग टूर का वीडियो है फेस्टिवल ट्रेडिशनल ये सारा नेपाली से आएगा, ये मेरे दिमाग में ये चल रहा है। तो ये चेक मारो गाइस, सुबह का नज़ारा कंचनजंगा, आप लोग को पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ घर से पानी पी के निकला हूँ, तो लपचू में थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करेंगे। जो डिसीजन कैसे लगा, हिंदी नेपाली दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरा डिसीजन कैसे लगा, यदि आप लोग को कुछ और राय हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली मैं कंफर्टेबल तो नेपाली लैंग्वेज में हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग का राय कुछ अलग है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कमेंट आएगा उसी लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाऊँगा, और मेरा राय यदि पसंद आया तो प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा। What does perfect even mean?
तो यहाँ पे मैं आया हूँ सीआरटी कॉल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैग देखेंगे, हेलो, ठीक है छौ। ठुलो खालको ट्याङ्क ब्याग कस्तो, कुन चाहिँ, कति लिटरको छ त्यो त हेरौँ न, कत्रो साइजको रहेछ यो हो। म त्यो ट्याङ्क ब्यागमा राख्नु होइन, मैले ब्यागमा राख्नु, टप ऱ्याकमा राख्नु, ट्याङ्कमा राख्नु होइन, टप ऱ्याकमा राख्नु। मैं पहुंच गए टीबीएस के वर्कशॉप पे, यहाँ पे पूछते हैं बैग है कि नहीं है। रोनिन का बैग है क्या? रोनिन, रोनिन का बैग है, बैग। हाँ, रोनिन को मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, जो आगे जो इनफिट का जो शोरूम देख रहे हैं आप, देख सकते हो उसके ठीक ऑपोजिट साइड में सिबक रोड पे, यहाँ पे भैया का नाम क्या है, पिंटू भैया, पिंटू भैया के यहाँ पे जो मैं हल्का सा एक सीट मॉडिफिकेशन करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो पहले सीट बनवाया था वो सीट मैं थोड़ा लॉन्ग टूर में प्रॉब्लम दिया, बैक सपोर्ट नहीं था ना, इसी कारण से मैं अलग सा ये कुशनिंग करके ये बैक सपोर्ट वाला सीट बना रहा हूँ। आफ्टर सीट मॉडिफिकेशन, इसका फिनिशिंग और सीट कम्फर्ट कैसे रहेगा आप लोग को मैं उसका रिव्यू दूंगा, तो बने रहे मेरे साथ। तो आप सभी बाइक स्कूटी का सभी सीट बना देते ना, गाड़ी का नहीं बनाते ना, सिर्फ बाइक स्कूटी का। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा, इसी समय आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, अपने जो रोनिंग में जो सीट मॉडिफिकेशन किया था वो चला के देखते हैं कि सीट कंफर्ट कैसा आएगा। तो ये चेक मारो गाइस, अपना जो रोनिन का सीट मॉडिफिकेशन, तो फूल में यहाँ पे बैक सपोर्ट के लिए ही मैंने सीट मॉडिफिकेशन किया है, तो कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे सीट कवर चढ़ा के देखते हैं फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल राज, फेरि न्यू डे न्यू ब्लग, फेरि एउटा अर्को नया कथा। र अस्तिको दिन चाहिँ म छ माइलमा चाहिँ त्यो रोनिनको भाइजर रिमुभ गरेँ, अनि हिजो चाहिँ म सिलगढी गएको थियो, त्यो बाइकको सिट पनि बनाउनु थियो, अनि सर्भिस सेन्टरमा एउटा काम पनि थियो, त्यो कामको लागि म गएको थिएँ। तर हिजोको मोटर ब्लग मैले गरेको थिएँ, तर त्यो जुन चाहिँ भोइस क्वालिटी चाहिँ राम्रो नआएकाले गर्दा चाहिँ मोटर ब्लग गर्नु पाइनँ मैले। अनि आज चाहिँ फेरि एउटा तपाईँहरूसँग खास र विशेष कुरा गर्न जाँदैछु। दिवाली सके तापनि हेर्नुहोस् न, फुलहरू चाहिँ मजाले ढकमक्कै गरी सयपत्री फुल फुलिरहेको छ है। ल, पहिला चाहिँ यहाँ तल जानेछौँ, विकास बाबुमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर बाइक धुनेछु, अनि चेन लुप र चेन क्लिन पनि गर्नु छ, अलिकति बाइकलाई चाहिँ एकदम झकास लुक्स दिने आज चाहिँ चट्ट पारेर चाहिँ अपडेट राख्ने हो, किनभने छिट्टै चाहिँ लङ टुर गर्दैछु म। त्यो लङ टुरको लागि, लङ टुर भन्नु सक्दैन, दुई तिन दिनको ट्रिप चाहिँ जाँदैछु म। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ, एकदम सुनसान भयो क्या, तिहार सकेर चाहिँ गाउँघर एकदम पसली चाहिँ यहाँ छ, फेरि मालिक दोकानको मालिक के हो, टिभी राखेकै हो न, के हो पछाडिको, तिमी जहिले तहिले सुतिरहेको हुँदैछ, आज चाहिँ मजाले बसिरहेको रहेछ है। स्टिङ लान्छु ल, अहिले दिन्छु ल, कति हो यसको, ल लग्यो ल, मैला भएपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ यसो सिलगढीबाट आएर चाहिँ एकदमै पुरै मडै मड भइरहेको छ। आज चाहिँ बाइक चाहिँ मजाले धुने, सफा राख्ने, आफ्नो लुगा मैला होस् तर केही छैन होइन, तर बाइकहरू चाहिँ एकदम अपडेट चाहिन्छ मलाई चाहिँ, एकदम सफा झकास। अब चाहिँ बाइक धुने मजाले,
ए हाम्रो ए स्याङ्के दाजुले के गर्दैछ हौ यता के गरेको ए फेरि हाम्रो बुबु फेरि एकदम डरलाग्दो बिजी छ फेरि दसैँ आयो दसैँ आउँछ भन्छ हो दसैँ आयो दसैँ गयो तिहार आउँछ भन्छ तिहार आयो गयो अब लक्ष्मी आयो लक्ष्मीलाई दान दियो देउसी भैलीलाई दान दियो हो हजुर हजुर आफू पनि गयो दान थापियो अन्त इस अब दसैँ र तिहारलाई दिएको दान दिएको पैसा कभर गरेर नयाँ सालको लागि निकाल्नुपर्छ फेरि मैले फेरि अन्त यहाँ दसैँ तिहार सकेपछि अनुहार त यस्तै हुँदो रहेछ अन्त भाइटिका चाहिँ कति कति घर जानुभयो भाइटिका म सिक्किम मल्ली दि रेन दिदीकोमा मात्रै गएँ अन्त यतातिर चाहिँ भाउजूलाई पठाएँ तर मैले देखेँ नि फेसबुकमा डान्स त फेरि डान्स त बपाल रहेछ नि बुबु पनि फेरि फेसबुकमा देखेँ नि मैले हो र खतरा खतरा डान्स दिँदै थियो बेला बेलामा अन्त के वर्षमा एक दिन नाचेर के गर्नु बाँकी त सबै यस्तै हो त्यही त पलभर मात्रै भए पनि रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि खुसी भएर बस्नु पऱ्यो होइन तर बुबुले चाहिँ जोस आफू पनि खुसी हुन्छ अरूलाई पनि खुसी राख्छ नि त आफू पनि रमाइलो गर्छ अरूलाई पनि रमाइलो गराउँछ र तपाईँले चिन्नुभएको छ हाम्रो यहाँ बुबुलाई मेडिक दिन गएको थियो त होइन हेर्नुहोस् साथीभाइ हिजो चाहिँ मैले यो सिलगढीमा चाहिँ सिटको मोडिफिकेसन गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो मजाले यो ब्याक सपोर्ट दिन्छ यहाँबाट यो ओरिजिनल सिटकोबाट यहाँ लगाएको तर सपोर्ट राम्रो छ काम राम्रो छ त्यो सिलगढीको भइआएको लुक्स चाहिँ दामी आएको छ अब यो सिटसँग चाहिँ यो भाइजर है यो भाइजर रिमुभ गरेँ यो भाइजर रिमुभ गर्दाखेरि राम्रो लुक्स आएको छ कि भाइजर लगाउनु पर्ने हो त्यो प्लिज त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला है त्यस्तो मैला भयो कि चेन क्लिन गर्दा र अलमोस्ट यो बाइकको धुने काम भइसकेको छ अनि चेन क्लिन भइसकेपछि अब चेन लुप मात्रै गर्नुहोस् म चाहिँ चेन क्लिन र चेन लुप चाहिँ मोटरको युज गर्छु एभ्री 500 किलोमिटर रनिङ भइसकेर चाहिँ म चेन लुप चेन क्लिन गर्छु है 15 मिनटसम्म चाहिँ चेन अलिक सुक्ने दिन्छु त्यसपछि चेन लुप गर्नेछु ल ल त गाइस म घर चाहिँ अघि नै आइपुगेको बाइकहरू धुइधाइ पनि भयो चेन लुप चेन क्लिन पनि भयो र मन ढुक्क भयो र अब चाहिँ छिट्टै 2-3 दिनको ट्रिप चाहिँ हिर्काउनेछु र कतातिर जानेछु त्यो चाहिँ म इन्स्टाग्राममा लाइभ अपडेट र लाइभ लोकेसन चाहिँ इन्स्टाग्राममा दिने गर्छु र तपाईँले इन्स्टाग्राममा मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एउटा यात्री लेखेर तलब दिएको छु एउटा यात्री लेखेर तपाईँ इन्स्टाग्राममा मलाई सर्च गरेर फलो गर्नुहोला सपोर्ट गर्नुहोला माया दिनुहोला है र आजको ब्लग यस्तै भयो अनि यो ब्लगको इन्ड चाहिँ म नेपालीबाटै गर्दैछु अनि अलिकति मिक्स ल्याङ्ग्वेज भयो हिन्दी नेपालीबाट तपाईँहरू म्यानेज गर्नु होला है अनि त्यही अब मेरो मनको कुरा तपाईँलाईसँग साझा गरेँ र मेरो निर्णय हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र जुन ल्याङ्ग्वेजमा ज्यादा कमेन्ट आउनेछ म त्यही ल्याङ्ग्वेजमा म भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु र मेरो सोचाइमा चाहिँ बाइकसँग रिलेटेड र एक दुईवटा अब भिडियोहरू चाहिँ अब हिन्दीबाट बनाउनेछु अनि टाढोतिर जाँदा अब अलिअलि मिक्स ल्याङ्ग्वेज हुन्छ ब्लगमा है हिन्दी पनि हुन्छ नेपाली पनि मिक्स ल्याङ्ग्वेज हुन्छ अनि धेरै जसो भिडियो चाहिँ म हिन्दी नेपालीबाटै बनाउने मेरो चाहिँ सोचाइ छ त्यो यो निर्णय चाहिँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु नभन्नु होला र आजको ब्लग यस्तै भयो आई होप कि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला सायद मन पऱ्यो भने पनि मन नपऱ्यो भने पनि प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनु प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला अनि हजुरहरू सधैँ खुसी र स्वस्थ रहनु चाहिँ नभुल्नुलाई त टेक केयर एन्ड लभ यु अल